उसकी बात करते हो मेरी जान, होश तो वो अपने साथ ले गई। कौन? तानिया राठौर। अरे श्योर वो तानिया राठौर थी? समय चौहान तो मेरा दोस्त है, ठीक उसी तरह जिस तरह के आप। मैं? हाँ क्यों, हम दोस्त नहीं है? ये रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि ऋचा का प्रॉब्लम ये है कि उसका दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसकी माँ और बहन उससे दूर जा चुके हैं। उसे ये सारी बातें कौन याद दिलाता होगा? आपके घर में कोई उसे ये सब बातें याद दिलाता हो? विडम्बना देखो, तुम्हारी माँ बहन दोनों भारत आती हैं, लेकिन आती है ना चाचू? शर्म करो श्री, कैसे बाप हो तुम? अरे वो तुम्हारा भी बेटा है, कुछ तो चिंता करो। मेरा बेटा समय है और समय को बीच में मत लाओ श्री। हे प्रियसी, एक बार मेरी आंखों में आके डाल कर तो देखो, तुम्हें प्रेम का एक अथाह सागर हिलकोरे लेता दिखाई देगा। गुड आकार, अच्छा कर रहे हो, लेकिन प्रोजेक्शन बढ़ाओ। और हाँ, ये हाथ मत पकड़ो क्योंकि मैंने मूवमेंट्स ब्लॉक किए हैं, तो कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं। चलो वर्षा आपने पोजीशन लो गाइस। हेलो मैडम। अरे एक बार इन आंखों में आंखें डालकर देखिए तो। व्हाट? अरे यही तो प्रॉब्लम है भाई, मुझसे ये सब नहीं होता। आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दिस। आकार मैंने तुमसे कहा ना, यू आर डूइंग गुड। जो मैंने बोला है उन बातों को ध्यान में रखो। प्रोजेक्शन राइट? कम ऑन वर्षा, कम ऑन। हेलो, मिस्टर अकार, चलिए अपने डायलॉग बोलिए। समय यार इधर आ। मुझसे नहीं हो रहा ये। आकार अब क्या हुआ, चलो ना। यही तो प्रॉब्लम है यार, तो मैं क्या करूं, मैं घर जा रहा हूँ मुझे देर। ऑलराइट मिस्टर समय, अगर आप चले गए तो ये और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बिल्कुल नहीं, मेरे जाने के बाद ये ज्यादा बेहतर करेंगे। पर यार वैसे मुझे देर हो रही है, पेशेंट वेट करो। एनीवे ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस, बाय बाय। समय, अरे समय। मिस्टर आकार, अब अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो रिहर्सल करें। यही तो प्रॉब्लम है। साहब, आपने रिचा से बात की है, क्या लगता है आपको उसे इस तरह के दौरे क्यों पड़ते हैं? राठौर साहब, दौरे नहीं पड़ते, दरअसल क्या है कि रिचा पुरानी बातों को भूल नहीं पा रही है। जब भी उसे ये बातें याद आती हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने आप को, इसलिए वो डर कर रिएक्ट करने लगती है। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए राठौर साहब, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके शरीर पर चोट लगी है, ठीक है, और धीरे धीरे ये चोट घाव बन जाती है। अब क्या करेंगे, दवा लेनी चाहिए ना, लेकिन आप दवा लेने की बजाय उस घाव को कुरेदते रहते हैं, तो बताइए क्या ये घाव कभी ठीक हो पाएगा? कभी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि दर्द और भी बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली, बल्कि वो घाव नासूर बन जाएगा। रिचा के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है, कोई उसके घावों को कुरेदता है और वो पुरानी यादों में जीने लगती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो होगा। देखिए राठौर साहब, फिलहाल तो उसका एक ही इलाज है कि रिचा को कल में नहीं बल्कि आज में जीने की आदत डालनी होगी। अच्छा ये बताइए कि रिचा का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, बस सिर्फ एक डॉल है जिससे वो बातें करती रहती है। यूं समझ लीजिए वो डॉल ही उसकी दोस्त है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो उस डॉल को ही उसकी दोस्त रहने दीजिए, कोशिश कीजिए कि उसका फ्रेंड सर्कल बने। एक बात और, आपके घर का कोई आदमी उसे ये बातें याद दिलाता है, कोशिश कीजिए पता कीजिए कि कौन है वो, ये रिचा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राठौर साहब, मैं चलता हूं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आई होप रिचा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप उसे सिर्फ दवाइयां देते रहिएगा, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। ओके।
पूरा डॉक्टर हवेली तक पहुंच गया है। तुमने ऋचा को भी देखा होगा? हाँ, उनकी बातों से तो ऐसे ही लगा। क्या कह रहा था डॉक्टर? कह रहा था ऋचा को हमेशा डॉल के साथ होना चाहिए, या तो उसके कोई सहेली के साथ होना चाहिए। और कह रहा था कि उसे कोई पुरानी बातें याद दिलाता है। पुरानी बातें? बड़ा तेज डॉक्टर पकड़ा है जगताप ने। इस डॉक्टर की तो डॉक्टरी अपनी तरीके से करनी पड़ेगी हमको। देखिए आप इस चक्कर में ना पड़िए। आपको हमारी फिक्र करने चली, हम डरने वाले हैं क्या? हम कच्ची चाल नहीं चलते, हमारी हर चाल पकी हुई होती है। सबसे पहले तो वो काम करना है जो डॉक्टर बता के गया। डॉक्टर क्या बता के गया? नहीं मालूम क्या बता के गया है। ऐसा है कि तुम अपनी मोटी बुद्धि पे ज्यादा बोझ न डाला करो, बस इतना किया करो जो कुछ भी सुना करो उसे आकर चुपचाप हमें बता दिया करो, समझी? जी। ठीक है, एक काम करो, तुम ऐसा करो कि अभी उस पगली ऋचा को गार्डन में घुमाने ले जाओ, हमें जरा उसके कमरे में अकेले में कुछ काम है। जाओ अब, टुकुर टुकुर मुंह काटा कर जाओ। ऋचा को पागल करने का इलाज तो डॉक्टर सुनता खुद ही बता गया हमको। हे माते, तुम क्यों विचलित होती हो? तुम्हारा छोटा पुत्र अवश्य मरेगा, भाग्य के कपाट पे लिखा है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या लिखा है भाग्य के कपाट पर? कपाट पर लिखा है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे बाल भी बहुत खूबसूरत है, ये भी कपाट पे लिखा है। What the hell are you doing, Akar? इतने समय से रिहर्स कर रहे हो और एक लाइन ठीक से नहीं ले पा रहे। लाइन ही तो ले रहा हूं। अच्छा तुम बताओ, क्या मैं गलत लाइन पर? नहीं नहीं Akar, तुम गलत लाइन पर नहीं हो, लेकिन लाइनें गलत बोल रहे हो। वर्षा, आकार की रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। लेकिन तान्या, तान्या सुनो तो सही। तखलिया, यही तो प्रॉब्लम है। आप ही की कमी थी। आइए। अब क्या हो गया? आप अपने आप को डॉक्टर कहते हैं और आप तो मतलब बीमार को दवा देने के बजाय और बीमार कर देंगे आप। अरे बाबा, आप क्या कर दिया मैंने? मेरी परेशानी दूर करने के बजाय आपने मुझे और परेशानी में डाल दिया। मतलब? मैंने आपसे एक्टर मांगा था और आपने आपने मुझे आकार दे दिया। वो दो दिन में तो क्या मिस्टर समय, वो दो जन्म में भी एक्टिंग नहीं कर सकता। अरे लेकिन अच्छा एक्टर है वो। हाँ, वो एक ही एक्टिंग अच्छी कर सकता है। किसकी? बंदर की। वर्षा बताओ क्या कह रहा था आकार? समय कह रहा था कि कपाट पर लिखा है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है और बाल भी। नहीं, वो कह रहा था भाग्य के कपाट पर लिखा है कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है, मेरे बाल बहुत खूबसूरत और पता नहीं क्या क्या। ठीक ही तो कह रहा था वो, और कहता होगा कि तुम कुछ समय बहुत खूबसूरत लगती हो, राइट? व्हाट? आई मीन ऐसा कहने जा रहा होगा, यू नो व्हाट आई मीन? जी नहीं,
देखो तानिया, तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करके उसे उसे सब सिखाती क्यों नहीं हो? मैंने कोई स्कूल नहीं खोल रखा समय कि मैं उसे सिखाऊं। तुम अपने दोस्त को समझा दो कि ठीक से एक्टिंग कर सकता है तो करे, वरना मैं किसी और को ढूंढूंगी। अरे नहीं नहीं पापा, मैं उसे समझाऊंगा, जरूर वो समझ जाएगा मेरी बात। तानिया, आकर तकिया मांग रहा है। तकिया? तानिया शायद बहुत थक गया है, उसे सोना होगा मेरे घर में। अब जब नींद आती है तो नींद आएगी तो वो किसी के भी घर पे सो जाएगा। एक सेकंड, क्या कहा था उसने? तकिया? हाँ, उसने कहा था तकिया, तकिया ला, तकिया ला। तकिया? नहीं नहीं नहीं, तकिया नहीं, उसने कहा होगा तखलिया। जाओ यहाँ से। जाओ? कहाँ जाओ? किधर भी। अरे वर्षा, तान्या, ये आकार कब सुधरेगा? बेटा तुम रो क्यों रही हो? पापा, तान्या और मम्मी दिल्ली में होते हुए भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? बेटा वो दोनों यहाँ नहीं है, वो दोनों लंदन में है। नहीं पापा, वो यहाँ, मुझे पता है, मैं आपको जो भी बोलूंगी ना, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। ऐसी बात नहीं है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा से कोई गलती हुई है क्या? नहीं, आप तो मेरे सब कुछ हो। तो फिर अपने पापा की एक बात मानोगी? आज हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे और फिल्म के बाद किसी अच्छी जगह पर डिनर। बताओ तुम्हें क्या खाने का मन है? मुझे बाहर नहीं जाना, इतने सारे लोग देख के मेरा दम घुटने लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, हम बाहर से कुछ खाने को मंगा लेते हैं। क्या खाओगे? मैंने ना खिचड़ी खा ली थी, क्या मैं सो जाऊं? ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सो जाओ। Sorry. It's okay. I love you. I love you too. Thank you.
मैं रमेश कोहली बोल रहा हूँ। रमेश आप कैसे हैं? क्या भाभी आप तो भूल ही गए हो हमें। ये ऐसा नहीं है। अरे जेनिफा भाभी घर तो आई है, और हाँ साथ में तानिया को भी लाना। भाई साहब आऊंगी कभी। भाभी जी कैसे हैं? Oh, she's absolutely fine. बिल्कुल ठीक है। जगताप से भी बात हुई थी। भाई साहब please, जगताप के बारे में let's just not talk about him. Okay, okay, okay. I'm sorry. दोबारा ऐसी बातें नहीं करूँगा। पहले आप घर तो आइए, बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। Okay, we shall be waiting for you. Please come. हाँ. ठीक है। बाय। निखत, ऐसे शुभ मौके पे रोया नहीं करते। आज हमारे सारंग का जन्मदिन है, बस दुआ करो कि वो जहां भी हो खुश हो। भाभी नमस्ते आंटी। ये मेरा दोस्त है। हाँ, आकार शर्मा, MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपकी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लेता हूँ, इसलिए रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर की जॉब करता हूँ। लेकिन फिलहाल प्लीज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। आई एम श्योर योर डैड इज वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं, इसके फादर नहीं। और माँ? माँ? अरे क्या माँ है मेरी। मेरी जो माँ है वो मेरी माँ तो है, वो मेरे डैड भी है, लेकिन सबसे पहले वो मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। एक मिनट तक देखा मेरी माँ। हेलो आकार बेटा, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे के दिन तो घर पे जल्दी आया करो। माँ मैं समय क्या हूँ, आज समय के छोटे भाई का बर्थडे है। ओके, तो तुम वहाँ पार्टी करने बैठ गए, नॉट बैड। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से भी विश कर देना, ठीक है? अरे तो आप खुद विश कर दीजिए ना। लीजिए एक मिनट। ओके, ये लीजिए, मेरी माँ का फोन है। प्लीज। हेलो। हेलो, हाय, कैसी हैं आप? हाँ जी एकदम ठीक हूँ। आकार ने कहा कि आपके बेटे का बर्थडे है, तो आपको मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया, कभी घर आइए ना। श्योर, अगर आकार लेके आएगा तो आई डेफिनेटली कम। अच्छा आकार, उसको मैं बोल दूंगी। जी नमस्ते। और आप अपने बेटे को फोन दीजिए, मैं उसको भी विश कर देती हूँ। हेलो हेलो, डैड हर साल ये केक मैं करता हूँ, राइट मॉम? और वैसे भी ये मियाँ दोस्त से ज्यादा मेरे छोटे भाई की तरह, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आज इनका भी बर्थडे है, सो व्हाई डजंट ही कट द केक? ये तो कमाल ही हो गया बेटा, आज ये केक आप ही काटोगे। हियर वी गो, ऑल योर्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Happy birthday.
सारंग एंड आकार, हैप्पी बर्थडे टू यू। लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी अलोन। बेटा इस वक्त उसे कोई कुछ मत बोलो, जस्ट लेट हर बी। Saw your mom at Webley station, और वो काफी परेशान लग रही। क्या? Webley station पे? हाँ यार, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। And she just left. But she was really looking disturbed. Yeah, you find out and tell me.